जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित वैद्यवान है। आप हैशटैग बच्चा पार्टी और कुल मिलाकर दिन मंत्र आप सब हम। तो देखिएगा, यहाँ ना एक क्वालिफिकेशन का इस सिनेरियो आता है जो केवी के एग्जाम को लेके, स्पेशल बीएड वाला था। तो स्पेशल बीएड का जो अभी तक नया नोटिफिकेशन है उसमें तो देखिए कुछ आया नहीं, लेकिन पुराने वाला जो नोटिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि जो लोग टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं वो, याद रखिएगा, नॉर्मल बीएड वाले। कि अगर टीजीटी में आप सोच रहे हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे समझिएगा तो यहाँ पे लिखा ओनली सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर टू पास कैंडिडेट हैविंग प्रोफेशनल डिग्री जो होगा क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश एसएसटी साइंस मैथ वट एवर द कैंडिडेट हु प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द ओनली स्पेशल बीएड और डीएड और स्पेशल डीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ दीज। मतलब ये कि आप यहाँ पर पीआरटी के लिए तो एलिजिबल हैं। पीआरटी के लिए कैसे एलिजिबल, नीचे देखिएगा जिसमें 24 नंबर है, फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वहाँ पेपर वन की रिक्वायरमेंट होगी आपको। और साथ में जो कैंडिडेट है, अगर उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन एजुकेशन है, जैसे डीएड है, स्पेशल उनका बीएड है या डीएड है, डीएलएड है, बीएलएड है, बीएड है, तो वो ना एलिजिबल होते हैं पेपर वन के लिए। तो इसका मतलब जो अभी तक के रिक्रूटमेंट के आधार पर देखा जाता है, तो उसके हिसाब से बात ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि जो भी आप स्पेशल बीएड वाले हैं वो केवी में टीजीटी के लिए अभी तक एलिजिबल नहीं है। लेकिन नया जो नोटिफिकेशन है उसमें ये वाली बात आएगी कि नहीं आएगी, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो भी जिनका स्पेशल एजुकेशन का है वो तैयारी ना फिलहाल पीआरटी की करना शुरू करे, ताकि उन्हें फिर बाद में ये ना हो कि हम तैयारी टीजीटी की कर रहे हैं, हमने बीएड किया हुआ है स्पेशल वाला और फिर वहां देखिएगा वहां एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहले से दिमाग में रख के चलेगा कि आप लोग पीआरटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं जो स्पेशल वाले हैं, वो टीजीटी पोस्ट के लिए केवी इसमें एलिजिबल नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी। थैंक यू।